हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेगुलर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल फिटिंग सरफेस में आपने रियल इमेज के लिए पढ़ा था। अब हम इसको वर्चुअल इमेज के लिए पढ़ते हैं। अगर हमारी इमेज वर्चुअल है तो ये कैसे बनता है? फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस बार हमारा वर्चुअल इमेज के लिए होगा। जो इस बार हम पढ़ते हैं ये वर्चुअल इमेज के लिए होगा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं अच्छे से। ये हमारा एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसको एयर से देखने पर हमें ये आगे का पार्ट कन्वेक्स नजर आएगा, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, जो हमने ये सरफेस माना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और ये आपका है डेंसर मीडियम में, ठीक है। ये आपका डेंसर मीडियम है। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से बहुत ही क्लोज लाई करता है। सपोज दैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इससे दो रेज जाती है तो स्ट्रेट निकल जाती है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता। दूसरी रे आती है यहाँ पे, सेकेंड रे इंसिडेंट एट पॉइंट ए। नाउ ड्रॉ द नॉर्मल फ्रॉम ए मीट द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल, दिस इज द नॉर्मल लाइन। वी नो दैट जब कोई ऑब्जेक्ट जिससे रे रेरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, बट इन दिस केस दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। हालांकि वे नॉर्मल की तरफ बेंड तो करती है, बट क्या होता है कि ये आगे जाने पर स्टिल दोनों रेज अभी भी नहीं मिलेंगी। इसको आप पीछे मिलाएंगे तो ये वाली रे जो है वर्चुअली हमें पीछे मिल जाएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये यहाँ पर मिलती है। अब ये इसकी इमेज बनेगी यहां पे आई। ड्रॉ द नॉर्मल लाइन ए बी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस इज द इमेज डिस्टेंस यू एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस बी एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें वो एंगल्स लेने हैं जो हमें नॉर्मल लाइन के साथ बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ऑब्जेक्ट का जो बनता है इसके साथ वो अल्फा, इमेज का जो बनेगा वो बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बनता है वो गामा। तो ये है टोटल इसका डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे एट पॉइंट ए। यहाँ पे हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि लाइट सेकेंड मीडियम में जाती है, जैसे म्यू टू बाई म्यू वन, ये आपका म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा। और अगर एंगल्स बहुत ही छोटे हैं, अगर हम एंगल्स आई और आर को सपोज करो कि हम एंगल आई और आर बहुत ही स्मॉल कंसीडर करते हैं, तो ये बहुत ही छोटे होंगे, साइन आई अप्रॉक्सीमेट आई हो जाएगा, आई अपॉन में आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, इक्वेशन नंबर वन। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई म्यू वन इक्वल टू आर म्यू टू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन वन के लिए हमें ट्रायंगल लेना है। पहले ट्रायंगल ए ओ सी स्टार्टिंग होना
पहले बताया था कि ट्रायंगल, पहले कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए ओ सी। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ऐसे एंगल जो बनता है वो आई बनेगा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिर ट्रायंगल ए आई सी लेंगे, ट्रायंगल ए आई सी, पहले ए ओ सी देन अगेन ए आई सी। ए आई सी से अब देखिए ए आई सी, इसमें आपका एक्सियल एंगल होगा आर, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय म्यू वन, आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय। और हमने आपको बताया कि अगर अपर्चर बहुत छोटा होता है तो पॉइंट बी जो होगा, ये पॉइंट बी जो है वो बिल्कुल पॉइंट पी के पास आ जाएगा, बहुत क्लोज, ठीक है। इफ अपर्चर स्मॉल देन पॉइंट बी लाई वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। अब यहां पे देखिए जितने भी अल्फा बीटा और गामा हैं इनको आप टेन थीटा से रिप्लेस कर देंगे, कि अगर एंगल छोटे होते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू आई होता है, और अगर टेन आई लेते हैं तो वो भी आई के बराबर होगा। ऐसे टेन अल्फा, अल्फा अल्फा को रिप्लेस कर देंगे टेन थीटा से, टेन अल्फा से गामा को टेन गामा, बीटा टेन, इस तरह से आप रिप्लेस कर ले सकते हैं। या एक और भी तरीका होता है कि एंगल्स इक्वल टू आर का पॉन में रेडियस, हम उसका यूज करते हैं तो भी यहाँ पे वही बात हो जाती है। तो अगर हम टेन अल्फा की बात करें, टेन अल्फा के का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है बी ओ। गामा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी अपॉन में सी बी मल्टीप्लाई बाय म्यू वन। बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी अपॉन में बेस क्या है बी से आई जाते, गामा देन अगेन ए बी अपॉन सी बी मल्टीप्लाई बाय म्यू टू। अब यहां पे अगर अपर्चर बहुत छोटा है, अगर अपर्चर स्मॉल है तो इसको हम यहां से ए बी को हम एक तो ए बी कैंसिल आउट होगा दोनों तरफ है, और बी की जो वैल्यू वो हम पी से कंसीडर करेंगे क्योंकि अपर्चर स्मॉल तो बी पॉइंट बहुत ही क्लोज हो जाएगा पी के। तो ये हो जाएगा वन अपॉन में बी ओ के रिप्लेस पे पी ओ, प्लस वन अपॉन में सी बी के रिप्लेस में सी पी मल्टीप्लाई बाय म्यू वन इक्वल टू वन अपॉन बी आई की वैल्यू पी आई एंड वन अपॉन में सी बी वैल्यू सी बी That is equal to CP multiply by mu 2. I hope कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी जो वैल्यूज हैं यहां से हमें चेंज कर देनी है, नाउ पी ओ साइन कार्टेशियन के साथ चल रहा पी ओ ये नेगेटिव ही हो जाएगा, सी पी ये पॉजिटिव आर होगा, पी आई नेगेटिव भी एंड सी पी पॉजिटिव आर, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पोल है ये ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अकॉर्डिंग चलते हैं, तो माइनस एक्स पे जितनी वैल्यूज होगी साइन नेगेटिव होगी। तो वन अपॉन में पी ओ मीन्स पी ओ का मतलब हो जाएगा माइनस यू, वन अपॉन में सी पी, सी पी की वैल्यू जाएगी आर मल्टीप्लाई बाई म्यू वन इक्वल टू वन अपॉन में पी आई की वैल्यू क्या होगी बी माइनस में आएगा, प्लस वन अपॉन में आर म्यू टू।
इसको ओपन कर लेंगे तो म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू वन बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई माइनस बी प्लस म्यू टू बाई आर। अब म्यू वन म्यू टू एक तरफ कर देंगे और आर एक तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर इक्वल टू म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू। ठीक है, ये वैल्यू इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये डेरिवेशन किस तरह है। बहुत ही सिंपल सा, इसमें सिर्फ आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, अगर डायग्राम आपका क्लियर बन जाता है तो इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव सरफेस जो होता है, ये आपको पता है, कॉनकेव सरफेस जो होता है वो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एयर से इसको देखना है। ठीक है, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस जो होता है इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा। सपोज करें पोल है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का म्यू वन, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू। ऑब्जेक्ट से कोई भी रे अगर जाती है, ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी रे स्ट्रेट जाती है तो यहां पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ये स्ट्रेट निकल जाएगी। किसी दूसरे पॉइंट पर अगर इंसिडेंट कराते, सपोज करो पॉइंट ए, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां लाई करेगा। सपोज करो ए पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए तो ये नॉर्मल लाइन बनती है। अब रेडर से डेंसर में जाते हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी लाइन, सपोज टू ये पॉइंट ए। अब ये दोनों रेस तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं जितना भी इनको आगे बढ़ाते हैं, बट अगर इस लाइन को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये आके यहां मिल जाते, इस वाली रे के साथ यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है। तो इस वाली रे के साथ अगर इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस r और इमेज का पोल से डिस्टेंस v। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे b, जिसका ऑब्जेक्ट के साथ एंगल क्या होता है अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। अल्फा बीटा और गामा ये यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर वही जैसा हम पहले भी करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होगा म्यू टू वन, वन म्यू टू सेकेंड मीडियम में लगी जाती है म्यू टू बाई म्यू वन। फिर वही स्टेप हम दोहराएंगे फिर से कि अगर एंगल छोटे होते हैं तो साइन आई अप्रोक्सीमेट आई हो जाएगा, साइन आर अप्रोक्सीमेट आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई अपॉन में आर, आई बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई म्यू वन इक्वल टू आर म्यू टू।
इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हमें अगले स्टेप से चलते हैं, वही फॉर्मूला जैसे हमने आपको तरीका बताया, पहले ट्रायंगल कौन से लेते हैं, ए ओ सी, ऑब्जेक्ट ओ सी, चेक करिए कहाँ पर है ए ओ सी, इसमें जो आपका एक सीधा एंगल है, ये एंगल पूरा है आई और ये एंगल है आर, ए ओ सी, ये गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, बट हमें आई और आर चाहिए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर टू। नाउ अब ट्रायंगल लेंगे ए आई सी, ट्रायंगल ए आई सी, चेक करिए कहां पे ए आई सी, इसमें फिर एक्चुअल एंगल गामा होगा और ये वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका आर, ठीक है, ये वाला, ये एंगल आर होगा, ये आपका बीटा है, तो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, देन आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, फिर समझ लीजिए वर्टिकली अपोजिट आर होगा, तो यहाँ पे गामा एक शेयर एंगल बनता है इसके अंदर, और बीटा यहाँ पर है और आर यहाँ, सॉरी आर यहाँ पे, तो बीटा प्लस आर किसके बराबर होगा, गामा के, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री, आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा इंटू म्यू वन इक्वल टू आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा इंटू म्यू टू, ठीक है, इसे करते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अब इक्वेशन नंबर फोर में अल्फा बीटा और गामा की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। यहाँ पे गामा, अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा, आपको समझ में आएगा, गामा को हम टेन गामा से, अल्फा को टेन अल्फा से, बीटा को टेन बीटा से रिप्लेस कर देना है, या एंगल इक्वल टू आर का अपॉन में रेडियस, जो भी आपको समझ में आता है दोनों ही सही होते हैं। अगर टेन गामा पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस सी बी, माइनस अल्फा यहां पर है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में डी ओ मल्टीप्लाई बाई म्यू वन, फिर अगेन गामा की वैल्यू ए बी अपॉन में सी बी, माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन में बी आई मल्टीप्लाई बाई म्यू टू, अब ए बी तो जैसा आपको दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा ए बी, और हम साइन के रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, साइन को भी देखना है हमें कि जो ओरिजिन से लेफ्ट में है माइनस में जाएगा, जो ओरिजिन से राइट में है वो प्लस देना है, ए बी सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको दिख ही रहा है। अब अपर्चर अगर स्मॉल है, यहाँ लिखेंगे इफ अपर्चर इज स्मॉल, देन पॉइंट बी लाई वेरी क्लोज टू पी, अगर अपर्चर स्मॉल है तो पॉइंट बी बहुत ही क्लोज लाई करेगा पी के, तो यहाँ पे बी को रिप्लेस करके पी लिख दीजिए आप, तो वन अपॉन में सी पी माइनस वन अपॉन में पी ओ मल्टीप्लाई बाय म्यू वन, वन अपॉन में पी सी बी मतलब सी पी माइनस वन अपॉन में पी आई मतलब पी आई मल्टीप्लाई बाय म्यू टू। अब सारी वैल्यूज को आप पुट कर दें, सी से पी की वैल्यू क्या है, सी से पी हो जाएगा माइनस आर, पी से ओ, P से O की वैल्यू क्या है माइनस यू, माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय म्यू वन, सी पी अगेन माइनस आर, P
भी आई की वैल्यू माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा आपका। ये हमने डायरेक्ट दिया है माइनस बी का प्लस बी हो जाएगा, माइनस यू का प्लस यू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मी वन बाई माइनस आर प्लस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई माइनस आर प्लस म्यू टू बाई बी, ये हमें मिलेगा। अब इसको हम और सॉल्व कर देंगे, म्यू टू बाई बी इधर है, म्यू वन बाई यू इसको इधर जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सबको। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है इसको दो तीन बार अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और मेरी और वीडियो इसके लिए जो आपको तुरंत मिल जाए तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर